कारगिल युद्ध में 9 जून 1999 को बटालिक क्षेत्र की दो अग्रिम चौकियों पर कब्जा करने के बाद अब मौका था तोलोलिंग चोटी पर भारत का परचम लहराने का। भारतीय सैनिक पूरी जान से कारगिल युद्ध में विजय हासिल करने के लिए जुटे थे। कारगिल युद्ध दुनिया के इतिहास में सबसे ऊंचे क्षेत्र में लड़ा जा रहा था। एक लंबे संघर्ष के बाद तोलोलिंग की पहाड़ियों को दुश्मनों के कब्जे से मुक्त कराकर तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स व 2 राजपुताना राइफल्स को सौंपी गई थी। कारगिल युद्ध की इस विशेष सीरीज के पिछले 13 एपिसोड में हमने कारगिल युद्ध के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की जानकारी दी है। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इसका 14वां भाग देख रहे हैं। चलते हैं आगे। 13 जून 1999 को तोलोलिंग पर जारी संघर्ष में सफलता दिन और रात लगातार जारी युद्ध के बाद मिली थी। 18 ग्रेनेडियर्स व 2 राजपुताना राइफल्स के जवान दुश्मन को पस्त करने में लगे थे। इस पूरी टुकड़ी में 10 जवान शामिल थे। ऑपरेशन के लिए 2 राजपुताना राइफल्स के सबसे खतरनाक 10 कमांडो दिगेंद्र सिंह समेत मेजर विवेक गुप्त, सूबेदार भंवरलाल भाकर, सुमेर सिंह राठौर, CHM यशबीर सिंह, हवलदार सुल्तान सिंह, नायक सुरेंद्र, नायक चमन, लांस नायक बच्चन सिंह, राइफलमैन जसवीर सिंह की एक टीम बनाई गई थी, जिसके बाद सभी कमांडो द्रास सेक्टर में दुश्मन से लड़ते लड़ते लगभग एक सप्ताह के बाद तोलोलिंग पहाड़ी के पीछे की तरफ पहुंचे थे। 9 जून के दिन 10 कमांडो तोलोलिंग की पहाड़ी पर बनी पाकिस्तानी चेक पोस्ट के नीचे थे, जहां से पोस्ट की दूरी सिर्फ 90 मीटर थी। जिसके बाद जवानों ने नीचे सबसे पहले फायर बेस तैयार किया, फिर जवानों ने तोलोलिंग की दुर्गम पहाड़ी में क्लिप ठोक ठोक कर 14 घंटे की मशक्कत के बाद तोलोलिंग की चोटी तक रस्सा बांध दिया। दुश्मनों को सामने से चार्ली कंपनी और डेल्टा कंपनी के जवानों ने फायरिंग करके उलझाए रखा था, ताकि उनका पीछे की तरफ से जारी ऑपरेशन पर ध्यान न जाए। वहीं ऑपरेशन के लिए हर एक कमांडो अन्य हथियारों के अलावा 10 से 20 ग्रेनेड भी अपने साथ लेकर आया था। 12 जून की रात 8:30 बजे सभी 10 भारतीय कमांडो तोलोलिंग की पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे थे, जिसके बाद कमांडो दृगेंद्र सिंह ने दुश्मन के बंकर के जहां से गन फायर होता है वहां ग्रेनेड डालकर उसे तबाह कर दिया। हालांकि इस दौरान उनके सीने में 3 अंगूठे और पैर में 1-1 गोली लग गई थी। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी का शिकार होकर रात तक 9 साथी कमांडो भी शहीद हो चुके थे। दृगेंद्र सिंह ने अकेले 1-1 करके उनके कई बंकर ध्वस्त कर दिए थे। 13 जून की सुबह करीब 4 बजे तोलोलिंग की चोटी पर दोनों तरफ से भारतीय सेना के अन्य जवान भी पहुंच गए थे, जिसके बाद सुबह 5:30 बजे तोलोलिंग की पहाड़ी पर भारतीय सेना ने तिरंगा फहराया था। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध की ये सबसे पहली जीत थी। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कारगिल में ऐसा क्या कुछ हुआ जिससे हिल गई थी पाकिस्तानी सेना।